गुड मॉर्निंग पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द सेशन बाइक ज्ञान विद गौरव। सो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बाइक के इंजन की लाइफ में और बाइक की परफॉर्मेंस में। लोग ही अपने टू व्हीलर्स हैं वो सर्विस करवाते हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में, बट बाकी सभी अपनी थर्ड पार्टी से सर्विस करवाते हैं। अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस करवाते हैं तो आपके पास कुछ भी वैरायटी नहीं होती इंजन ऑयल में, आपको एक ही जो कंपनी का ऑथराइज्ड इंजन ऑयल होता है वही यूज करना होता है। बट अगर आप बाहर से अपनी बाइक सर्विस करवाते हैं थर्ड पार्टी मैकेनिक से, आपके पास काफी सारी चॉइसेस होती हैं। जनरली लोगों को आइडिया नहीं होता है किस टाइप का इंजन ऑयल उन्हें अपने बाइक में या स्कूटी में डलवाना है। जो भी थर्ड पार्टी शॉप्स आपको पकड़ा देती हैं ऑयल, आप वही अपनी बाइक में डलवा देते हैं और मोस्टली वो लोग गलत ऑयल देते हैं आपको जिसमें उनका कमीशन ज्यादा होता है। सबसे पहले हम इंजन ऑयल की टाइप्स की बात कर लेते हैं। सो इंजन ऑयल आता है जनरली थ्री टाइप्स का। फर्स्ट वन इज मिनरल ऑयल, सेकेंड वन सेमी सिंथेटिक ऑयल, थर्ड वन सिंथेटिक ऑयल। लोगों का सवाल रहता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, सभी इंजन ऑयल दिखने में सेम ही लगते हैं बट सब में रेट का कुछ ना कुछ फर्क होता है, काफी फर्क होता है। पहले हम बात कर लेते हैं मिनरल ऑयल की। तो आपका जो मिनरल ऑयल होता है वो आपकी बेसिक टू व्हीलर्स में यूज होता है, 100, 200, 250 की जो बाइक्स होती हैं या टू व्हीलर्स होते हैं उनमें यूज होता है। मिनरल ऑयल जो रहता है उसकी लाइफ रहती है सिर्फ 2000 से लेके 2500 किलोमीटर। सो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी रनिंग ज्यादा नहीं रहती है या उनको 3 मंथ्स के अंदर अंदर उनके 2000 से 2500 किलोमीटर हो जाते हैं। बट उनका क्या, जिन लोगों की डेली रनिंग ही अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास रहती है, सो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको हर मंथ ही बाइक सर्विस करानी पड़ेगी, बट ये चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली और ना ही किसी के पास इतना टाइम रहता है। सो अब हम इसका सेकेंडरी जो ऑप्शन रहता है वो रहता है सेमी सिंथेटिक ऑयल। ये अलग तरीके से बनाया जाता है, इसकी लाइफ आपकी रहती है 4000 से लेके 5000 किलोमीटर तक, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के टू व्हीलर में आप इसे यूज कर रहे हैं। अगर आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर इतना कवर कर लेते हैं किसी भी टू व्हीलर के अंदर, आप सेमी सिंथेटिक ऑयल डलवा सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल सबसे महंगा रहता है, पीरियड भी बहुत लंबा रहता है। सिंथेटिक ऑयल का पीरियड 8 to 10,000 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टू व्हीलर में इसे यूज कर रहे हैं। ये थे आपके बेसिक तीन टाइप के ऑयल और मैंने आपको बता दिया किस तरह की, अगर आपकी रनिंग है, अगर आपकी बहुत कम रनिंग है तो मिनरल ऑयल यूज कर सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी रनिंग ज्यादा है अराउंड 4 to 5,000 3 to 4 मंथ्स में तो आप सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपकी रनिंग ही रहती है बहुत ज्यादा, अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं अपनी बाइक पे तो आपको सिंथेटिक ऑयल यूज करना चाहिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑयल की सिलेक्शन कैसे की जाए। मोस्टली जब हम लोग मार्केट में परचेज कर रहे हैं तो हमें कोई भी ऑयल शॉप वाला दे देता है और हम लोग अपने बाइक में या स्कूटी में डलवा लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, हर एक व्हीकल की ओनर्स मैनुअल में उसके ग्रेड का ऑयल लिखा होता है कि आपको उस बाइक में या टू व्हीलर में कौन सा ऑयल डालना है। लाइक मोस्टली स्कूटर्स में 10W30 यूज होता है, तो आपको ये तीनों ही वैरायटी में अवेलेबल हो जाएगा, सिंथेटिक में भी मिल जाएगा, सेमी सिंथेटिक भी और मिनरल ऑयल में भी मिल जाएगा। इसी तरीके से बाइक्स जो होती हैं 100-200 cc के अराउंड, उनके अंदर 20W40 डलता है, सो ये भी आपको तीनों कैटेगरीज में मिल जाएगा। सो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस बता देता हूँ, अगर आप मार्केट में जाते हैं ऑयल लेने तो आपको किस टाइप का, सबसे पहले आता है सबसे सस्ते वाला ऑयल मिनरल ऑयल सर्वो का। सो सर्वो का जो ऑयल रहता है वो आपको पड़ता है कुछ 200 के अराउंड, 900 ml। सो वो आपको किसमें डालना चाहिए, सर्वो की लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती है। जो लोग मल्टीपल व्हीकल्स ओन करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपकी रनिंग ज्यादा नहीं होती है तो आप सर्वो डलवा लें, अगर आपकी अराउंड 1000-1500 के अराउंड रनिंग रहती है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि अगर आपकी रनिंग नहीं रहती है तो आपको हर 3 मंथ्स में सर्विस करवानी है, ऐसा नहीं है। आप ऑयल की क्वालिटी सेट कर लें अगर जिस अकॉर्डिंग आपकी रनिंग रहती है, और उसी तरीके से आपको मैक्सिमम 6 मंथ में तो सर्विस करवानी है। हाई एंड बाइक्स में 1 ईयर का सर्विस पीरियड रहता है, बट आज हम उनकी बात नहीं करते हैं, अगर नॉर्मल बाइक की बात करते हैं तो 3 मंथ के अराउंड, 3 to 4 मंथ के अराउंड उनका सर्विस पीरियड रहता है। 6 मंथ के अंदर अंदर करवा लीजिए सर्विस अगर आपकी रनिंग ज्यादा नहीं है। उसके बाद मैं अगर थोड़ा सा अच्छा वाला आपको मिनरल ऑयल रेकमेंड करता हूँ तो वो रहता है आपका कैस्ट्रोल, भी काफी अच्छा है, बट कैस्ट्रोल की कॉपीज मार्केट में बहुत ज्यादा बिकते हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज से भी। और एक गल्फ का ऑयल भी मैंने यूज किया है,
सेटिस्फाइंग है, ओके है, बट कैस्ट्रोल का ओरिजिनल ऑयल जो है वो गल्फ से थोड़ा सा ऊपर रहता है। और अगर हम बात कर लेते हैं सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक ऑयल की, तो इसमें मोतूल काफी अच्छा ब्रांड है, इंक्लूडिंग आप मोतूल मिनरल ऑयल में भी यूज कर सकते हैं। मोतूल एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और बहुत सारी कंपनीज इसे एज अ प्राइमरी ऑयल यूज करते हैं। KTM का जो प्राइमरी ऑयल वो लोग यूज करते हैं वो मोतूल ही यूज करते हैं अपने सर्विस सेंटर में भी। आई होप कि आपकी कुछ कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और मैंने आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी बता दिए हैं और आप किस टाइप का ऑयल किस सिचुएशन में यूज करना है वो भी आपको बता दिया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई एम गौरव काटपाल एंड आई विल सी यू लेटर। बातें उनकी होती जिनमें होती कोई बात है, मुझे आपने बनाया, मेरी क्या औकात है, हमेरी क्या औकात है, हमेरी क्या औकात है।